प्यारे दोस्तों, प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आमिर रज़ा ऑफिशियल में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये जो जानकारी है और ये जो नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल सस्ता और घरेलू नुस्खा है। इसे आप आसानी के साथ में अपने घर में ही बना सकते हैं और बहुत ही लाजवाब और शानदार ये नुस्खा है, जिसकी वजह से आपकी जो भी बीमारी है, जो भी कमी है, यानी कि आपको जिस चीज़ की परेशानी है, आपके जो है उज़्वे ख़ास में जो है बहुत ज़्यादा ढीलापन और जो है आपकी जो मनी है बहुत ज़्यादा पानी की तरह हो गई है, बिल्कुल बह गई है, और प्यारे दोस्तों उसमें सख्तपन नहीं है और किसी भी वजह से छोटापन हो चुका है, तो आइए आज जो है आपकी इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए ये जो जानकारी है, ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब और शानदार और जानदार जानकारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपको जानने की ज़रूरत है किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है और किस तरह से आपको इनका इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो जान लीजिए कि आपको जो है बिल्कुल अपने जहन को साफ़ करना है। कहीं भी गलत तरह जो है, किसी भी गलत तरफ आप जो है अपना जहन, अपना दिमाग ना लेकर के जाएं और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत और साफ़ रखें, जिसकी वजह से आप जो है गलत बुरे ख्यालात अपने जो है दिमाग में लेकर के आते हैं, तो उसकी वजह से ये परेशानी आपके अंदर जो है आती रहती हैं और आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो असर नहीं करती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको जो है इन तमाम बुरी चीज़ों से दूर रहना है और आपको जो है तली भुनी चीज़ें जो भी हैं उनको नहीं खाना है, उनसे परहेज़ करना है। आपको जो है बिल्कुल सिंपल सादा खाना खाना है, ये नहीं कि कहीं आपने तले हुए समोसे पकौड़े लिए वो अलम वगैरह वगैरह जो है तमाम चीज़ें आपको नहीं खानी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए बिना आप टाइम को ख़राब किए आपको जो है जो बेहतरीन और शानदार जानकारी है उसकी तरफ लेकर के चलता हूँ। मेरे दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको तीन चीज़ें लेनी हैं और वो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है छोटी इलायची का दाना 50 ग्राम। प्यारे दोस्तों, छोटी इलायची हर जगह मौजूद होती है, कहीं भी आप इसको ले सकते हैं। छोटी इलायची का दाना आपको 50 ग्राम लेना है। प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको लेनी है बड़ा गोकरू, ये 50 ग्राम आपको लेना है, और इसके बाद में आपको इसबगोल का छिलका, ये भी 50 ग्राम आपको लेना है। प्यारे दोस्तों, ये तीन चीज़ें आपको ले लेनी हैं। अब आपको किस तरह से इनको पीसना है, किस तरह से इनको मिलाना है, तो आपको ये बड़ा गोकरू और जो है छोटी इलायची, इनको दोनों को मिला करके आपको जो है एक जगह पर पीस लेना है, इनका पाउडर बना लेना है अच्छे से, और इस सब घोल आपको अलग रखना है। प्यारे दोस्तों, जब ये दो चीज़ें जो आपने मिलाई हैं, ये छोटी इलायची और बड़ा गोकरू, ये जो है आपको पाउडर जब बन जाए तो इसमें इस सब घोल का छिलका बाद में इसमें अच्छे से मिक्स कर लें, मिला लें। प्यारे दोस्तों, जब ये आपका नुस्खा बन करके तैयार हो जाए, जब ये पूरा अच्छे से रेडी हो जाए, तो आपको करना क्या है, आपको इसका इस्तेमाल करना है, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल आपको करना है वो भी जान लीजिए। प्यारे दोस्तों, इसका आपको सुबह के वक्त में खाली पेट एक गिलास गुनगुने दूध के साथ में एक छोटा चम्मच आपको इसका इस्तेमाल करना है, और शाम को अगर इसका इस्तेमाल करना चाहें तो शाम को आप इसका इस्तेमाल रात को सोते वक्त एक चम्मच छोटा वाला एक गिलास दूध के साथ में, दूध चाहे किसी भी चीज़ का हो, गाय का हो या भैंस का हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको हल्का गुनगुना कर लें, उस दूध से आप इसको खाएं एक छोटे चम्मच को। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप एक महीना आराम से खा सकते हैं, और जब आपको लगे कि अब मेरे अंदर जो है परेशानी ख़त्म हो चुकी है और सख्तपन आ चुका है, टाइमिंग भी बढ़ चुकी है, मेरे प्यारे दोस्तों अगर दो बीवी अभी हैं तो इस नुस्खे को जो है इस्तेमाल करने के बाद में आप आराम से अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप करके देखें और इसको आजमाएं, फिर देखिए कितना शानदार और जानदार रिजल्ट आपको इसका देखने को मिलेगा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी परेशानी हमें आप बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। जो भी आपको परेशानी है, किस तरह से आपका इलाज करना है, क्या आपको खाना है, कैसे खाना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी भी जो आपका जानकार हो, कोई भी बेहतरीन हकीम, आप उनसे इलाज करा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा परेशानी है, या फिर हमें भी आप बता सकते हैं किस तरह से आपको आपका कोर्स कराना है, किस तरह से आपका इलाज कराना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब फिर आपके सामने कोई दूसरी जानकारी
बहुत जल्द आपके सामने लेकर आकर हाजिर होंगे।